और सबसे पहली जो स्ट्रेंथ है उसको हम कहते हैं पोजिशनल स्ट्रेंथ या स्थान बल। स्थान बल, स्थान बल का मतलब क्या हुआ कि उस प्लैनेट की पोजीशन जोडियक में क्या है, उस प्लैनेट की पोजीशन जोडियक में क्या है, किस राशि में है, उच्च का है, नीच का है, फ्रेंडली साइन में है, एनिमी साइन में है, अस्त तो नहीं है, या जो भी मतलब उसकी जो पोजीशन है जोडियक में, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड इन दिस पोजिशनल स्ट्रेंथ, या जिसको हम स्थान बल बोलते हैं। दूसरा होता है कि दिक् बल। दिक् का मतलब होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ क्या है। हर प्लैनेट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ स्ट्रेंथ मिलती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत वीक हो जाता है, तो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या स्ट्रेंथ मिल रही है वो हम इसमें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ या दिक् बल में कंसिडर करते हैं। और इसमें जैसे कहा कि जुपिटर और मरकरी ये ईस्ट डायरेक्शन में जब होते हैं तो दे आर सपोज टू बी वेरी पावरफुल ईस्ट डायरेक्शन में, या हम कहेंगे लग्न में अगर जुपिटर और मरकरी का प्लेसमेंट होता है तो बहुत पावरफुल समझे जाते हैं। ऐसे ही अगर जुपिटर और मरकरी सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो उनकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है, लग्न में स्ट्रॉन्गेस्ट और जो सेवेंथ हाउस है उसमें जीरो। कहने का मतलब है कि जब हम कहते हैं कि लग्न में स्ट्रॉन्गेस्ट है तो एट द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस एग्जैक्टली जो लग्न की डिग्री है उस पर जो है ये जुपिटर और मरकरी को मैक्सिमम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी, और जो सेवेंथ हाउस का मिड पॉइंट होगा उसके ऊपर अगर होंगे तो उसको जीरो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी। ऐसे ही जो सन और मार्स है, ये दो प्लैनेट है सन और मार्स, इनको हम साउथ डायरेक्शन में सबसे ज्यादा स्ट्रांग मानते हैं। साउथ डायरेक्शन मतलब टेंथ हाउस में, जब ये दसवें भाव में प्लेस्ड होते हैं तो इनको सबसे ज्यादा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, और कहते भी है ना हम लोग कि सन और मार्स बहुत पावरफुल होते हैं टेंथ हाउस में, वही रीजन है कि उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मिलती है। और हम कहें कि जो टेंथ हाउस का मिड पॉइंट होता है वहां पर ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलती है इसको, और जो मिड पॉइंट ऑफ फोर्थ हाउस है वहां पर इसकी स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है, या मतलब साउथ डायरेक्शन में जीरो, नॉर्थ डायरेक्शन में जीरो हो जाएगी। इसी तरह से मून और वीनस, ये जो दो प्लैनेट हैं ये फोर्थ हाउस में स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, और मतलब मिड पॉइंट ऑफ फोर्थ हाउस हम कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और मिड पॉइंट ऑफ टेंथ हाउस जो है वो उनकी स्ट्रेंथ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। ऐसे ही शनि है, शनि को हमने सेवेंथ हाउस में या वेस्ट डायरेक्शन में या मिड पॉइंट ऑफ सेवेंथ हाउस में सबसे ज्यादा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देते हैं, और जो लग्न है या फर्स्ट हाउस का जो मिड पॉइंट है वहां पर शनि की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर प्लैनेट की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तीसरा होता है कि टेम्पोरल या काल बल। काल बल का मतलब ये होता है कि हम जो है बहुत जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम की फ्रिक्वेंसीज होती हैं उससे हम एग्जामिन करते हैं कि रात में हुआ, दिन में हुआ, किस साल में हुआ, किस मंथ में हुआ, किस दिन हुआ, किस होरा में हुआ, किस पक्ष में हुआ। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम की से जो फर्क पड़ता है प्लैनेट की स्ट्रेंथ का वो हम इसमें एग्जामिन करेंगे काल बल में। और नॉर्मल कोर्स में हम जानते हैं कि ये जो तीन प्लैनेट हैं मून, मार्स और सैटर्न, ये नाइट में स्ट्रॉन्ग माने गए, इसलिए आप कहते भी हैं कि जैसे शनि वगैरह का जाप करते हैं तो शाम को करना चाहिए क्योंकि वो रात में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। और हम रात की बात करें तो मिडनाइट, मिडनाइट मतलब सनसेट से सनराइज के जो मिड पोर्शन है उसमें सबसे ज्यादा कालबल मिलता है, और मिड डे के टाइम जो उनकी कालबल जीरो हो जाता है। ऐसे ही जो ये तीन प्लैनेट हैं सन, जुपिटर और वीनस, इनको दिन में बलि माना गया, इसका मतलब मिड डे पर इनकी पूरी स्ट्रेंथ होती है और मिड नाइट पर इनकी स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। और जहां तक मरकरी का सवाल है, मरकरी की स्ट्रेंथ सेम रहती है भले ही वो दिन हो या रात हो, उसकी दिन रात से उसकी स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर हम लोग यहाँ पर मोशनल या चेष्टा बल बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, वक्री होता है, तो उसको एक एडिशनल स्ट्रेंथ मिलती है जिसको कि हम चेष्टा बल या मोशनल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि जो प्लैनेट का चेष्टा बल है या जो रेट्रोग्रेशन की वजह से जो उसको स्ट्रेंथ मिलती है प्लैनेट को, वो हम इस कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। फिर एक स्ट्रेंथ होती है परमानेंट या
नैसर्गिक बल, और जैसे नाम से इंडिकेटेड है कि ये परमानेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। इट डजन डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ प्लैनेट इन द जोडियक, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ ईच प्लैनेट। जिसकी प्लैनेट की जितनी ज्यादा चमक होगी या ल्यूमिनोसिटी होगी या ब्राइटनेस होगी, उतना ही ज्यादा उसको नैसर्गिक बल मिलता है, और जिस प्लैनेट की जो ब्राइटनेस जितनी कम होगी उससे वही उतना कम जो है उसको नैसर्गिक बल मिलेगा। और हम जानते हैं कि सन जो है ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसका नैसर्गिक बल सबसे ज्यादा होता है, और सैटर्न जो है वो डार्केस्ट प्लैनेट है, तो उसकी जो नैसर्गिक बल है सबसे कम होता है। सन के बाद मून की ब्राइटनेस है, फिर वीनस की है, फिर जुपिटर है, फिर मर्करी है, फिर मार्स है। तो इस सीक्वेंस में इनको नैसर्गिक बल मिलता है, और जैसे मैंने कहा कि इसको हम कैलकुलेट नहीं करते, ये फिक्स्ड अमाउंट है, सिर्फ हम उसमें ऐड कर देते हैं जब हम प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट जो स्ट्रेंथ है उसको हम कहते हैं एस्पेक्ट स्ट्रेंथ या द्रिक बल। द्रिक बल का मतलब यह है कि उस प्लैनेट के ऊपर किन किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है, कौन कौन से प्लैनेट उसको देख रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि अगर बेनिफिक या शुभ प्लैनेट का एस्पेक्ट होता है तो किसी भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और अगर मैलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट होता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और वही चीज हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि हर प्लैनेट के ऊपर कौन कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट है, और वो ओवरऑल जो है वो मैलिफिक है या बेनिफिक है। तो ये हम छह तरह की स्ट्रेंथ शर्ट बल में कैलकुलेट करते हैं। पोजिशनल स्ट्रेंथ हो गया, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हो गया, टेम्पोरल स्ट्रेंथ हो गया, इमोशनल हो गया, परमानेंट हो गया, और एस्पेक्ट स्ट्रेंथ। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछ सर। ये तो क्लियर है, बिल्कुल पूरे क्रिस्टल क्लियर हो गया पॉइंट। सर एक जो छाया ग्रह हो गए अपने राहु और केतु, ठीक है, मेरा क्वेश्चन पॉइंट सिक्स से है एस्पेक्ट। तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता है सर, कई बुक्स में दिया है कि इनकी दृष्टि है। इसमें जब हम बल कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि राहु केतु का हम एस्पेक्ट कंसीडर नहीं करते उसमें। अच्छा, इसमें जब हम बल कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एस्पेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कुंडली में तो बोलते हैं कि फिर सर कुंडली में हम देखते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल मैलिफिक तो है ही है, तो जो भी उसका मैलिफिक इन्फ्लुएंस होता है तो एस्पेक्ट हम उनके वही कंसीडर करते हैं, फिफ्थ सेवेंथ एंड नाइन्थ। बट क्योंकि वो प्लैनेट नहीं है या उनके कोई अपने साइन वगैरह नहीं होते हैं, तो जब हम ये शट बल की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें उनका कहीं नाम नहीं आता, ना ही हम उनकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, ना ही उनका एस्पेक्ट कंसीडर करेंगे। जी सर। अब क्वेश्चन ये है कि हम ग्रह बल का में और क्या फायदा है कैलकुलेशन करने का। एक तो हमने देख लिया कि अगर हम करेंगे तो वी कैन बी मोर एक्यूरेट इन द प्रेडिक्शंस, हमारी और अच्छी हो जाएंगी, एक्यूरेट हो जाएंगी, क्योंकि बिना उसके हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जब तक हमें हर प्लैनेट का या हर हाउस का स्ट्रेंथ नहीं मालूम है तो हम प्रेडिक्शन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। दूसरा, नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है जो आप देखते हैं कि सुदर्शन चक्र बना होता है हर कंप्यूटर हॉरोस्कोप में, और उसमें लग्न चार्ट, मून चार्ट और सन चार्ट, लग्न को फर्स्ट हाउस मानना, मून को फर्स्ट हाउस मानना और सन को फर्स्ट हाउस मानना, ये तीनों चार्ट सुपर इम्पोज होते हैं, उसमें कंबाइंड होते हैं, मतलब सुदर्शन चक्र में। तब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, हम लग्न चार्ट से प्रेडिक्शन करते हैं, कोई लोग कहते हैं कि नहीं मून चार्ट से करते हैं, और कुछ लोग जो वेस्टर्न टाइप की एस्ट्रोलॉजर है वो कहते हैं नहीं हम तो सन चार्ट से प्रेडिक्शन करना चाहिए। तो इसको भी अवॉइड करने के लिए या मालूम करने के लिए कि किससे हमारे प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा एक्यूरेट होंगे, उसके बारे में कहा कि जब हम तीनों की स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, फर्स्ट हाउस की भी, मून की भी और सन की भी, तो उसमें देखिए कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, लग्न सबसे ज्यादा पावरफुल है या मून सबसे ज्यादा पावरफुल है या सन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो कहते हैं कि जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वो ही प्रिवेल करेगा, वो ही चार्ट प्रिवेल करेगा, या उस चार्ट से अगर हम प्रेडिक्शन करेंगे तो वो ज्यादा हमारी एक्यूरेट होगी। और वैसे भी जब हम लोगों ने ट्रांजिट वगैरह पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि क्वेश्चन आया था कि हम लग्न से करें या मून से करें, तो उसमें भी यही प्रश्न आया था कि अगर मून बहुत पावरफुल होता है तो मून से करते हैं। अब आपको पता कैसे लगेगा कि लग्न पावरफुल है या मून पावरफुल है? तो वो जब तक हम ये दोनों की स्ट्रेंथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, हाउस की स्ट्रेंथ कैलकुलेट नहीं करेंगे या प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा एक्चुअल में। तो
तो ये हेल्प करता है हमें कि इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, और हमें अगर उससे प्रिडिक्शन करेंगे, उसको अगर हम फर्स्ट हाउस मानकर प्रिडिक्शन करेंगे तो हमारे जो प्रिडिक्शन है वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। तीसरा, जो हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि जब एक महादशा होती है, एक अंतरदशा होती है, तो हमें रिजल्ट किसके मिलते हैं, महादशा लॉर्ड के मिलते हैं या अंतरदशा लॉर्ड के मिलते हैं। और हमने कहा था कि इन दोनों में जो भी पावरफुल होता है, जो भी स्ट्रोंगर होता है, जो ज्यादा बली होता है, उसके रिजल्ट हमें मिलते हैं एट ए टाइम। तो पता कैसे लगेगा आपको कौन सा ज्यादा बली है? तो नेचुरली जब तक हम एग्जैक्टली हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है। हम नहीं बता पाएंगे कि हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो मेन प्लैनेट के मिलेंगे, सब प्लैनेट के मिलेंगे। तो उसमें भी ये काम आता है। तो तीन चीजें हो गई बेसिकली कि एक हमारी प्रिडिक्शन एक्यूरेट हो जाती है, दूसरा हम जो सुदर्शन चक्र में तीनों जो चार्ट बने होते हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा चार्ट हमारे लिए प्रिडिक्शन करने के लिए बेटर है, और तीसरा जो हमारा महादशा और अंतरदशा के जो रिजल्ट्स के बारे में बात हुई थी कि महादशा लॉर्ड के रिजल्ट मिलेंगे या अंतरदशा लॉर्ड के, तो इसमें से जो भी हमारा स्ट्रॉन्गर होगा उस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, तो वो भी हम इस शेड्यूल से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं, इसलिए हमें जरूरत भी पड़ती है शेड्यूल कैलकुलेट करने की। और जब भी कोई भी चीज हम मेजर करते हैं तो उसकी एक यूनिट होती है, कोई ना कोई इकाई होती है। जैसे वेट हम केजी में मीटर करें, लंबाई मीटर में करें, या हर जो कैलकुलेशन या हर जो मेजरमेंट है उसकी एक यूनिट होती है। तो शेड्यूल की यूनिट है रूपा, और रूपा कहते हैं हम उसको। और एक रूपा को अगर हम छोटा करें तो 1 रूपा इज इक्वल टू 60 रूपा भी बोलते हैं या साष्ट्यांश बोलते हैं। जो यूनिट है फोर्स या बल मेजर करने की वो रूपा है, और 1 रूपा जो है वो 60 विरूपा के बराबर होती है, या हम उसको साष्ट्यांश भी कहते हैं। विरूपा या साष्ट्यांश एक ही चीज है। तो इसलिए आप देखते भी हैं कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ लिखी होती है शेड्यूल में, तो रूपा इसमें लिखी हुई थी, देखा था ना आपने अभी। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो टोटल स्ट्रेंथ निकाले शेड्यूल, ये साष्ट्यांश में आया, ये जो है ये साष्ट्यांश में आया। तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो स्ट्रेंथ है रूपा में आ गई। तो ये जो लिखा होता है दिस इज नथिंग बट ये जो स्ट्रेंथ आती है, टोटल शेड्यूल आता है, ये साष्ट्यांश में आता है, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा एग्जैक्ट जो स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट है वो रूपा के अंदर आ जाती है। अब सबसे पहले हम स्थान बल या पोजिशनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, और स्थान बल के अंदर जो है हम 5 टाइप की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला होता है उच्च बल या एग्जल्टेशन स्ट्रेंथ। इसका मतलब कोई अगर प्लैनेट एग्जल्टेशन पॉइंट पर है तो उसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी, और अगर डेबिलिटेशन पॉइंट पर है तो 0 स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये हम देखते हैं कि उच्च और नीच के कहां पर प्लैनेट है उसके हिसाब से उसको स्ट्रेंथ मिलती है। फिर है सप्तवर्गस बल। सप्तवर्गस मतलब 7 डिविजनल चार्ट्स। हम 7 डिविजनल चार्ट्स कंसिडर करते हैं, और इन 7 डिविजनल चार्ट्स में हर प्लैनेट की पोजीशन देखते हैं। और पोजीशन में मतलब हम ये देखते हैं कि उच्च के राशि में है या अपनी राशि में है, या इंटीमेट फ्रेंड के साइन में है, या फ्रेंड के साइन में है, या एनिमी के साइन में है, या बिटर एनिमी के साइन में है। वो सब चीजें हम कंसिडर करेंगे 7 डिविजनल चार्ट में, और उसके बाद हम एक स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। तीसरा है ओजा युग्म राशियांश बल, या इसको हम युग्मा युग्म बल भी बोलते हैं। ओजा मतलब होता है ऑड साइन, विषम राशि, और युग्म मतलब सम राशि या इवन साइन, और राशियांश मीन्स राशि प्लस नवांश। तो हम 2 चार्ट यहाँ कंसिडर करेंगे, एक राशि चार्ट और एक नवांश चार्ट, और उसमें हम देखेंगे कि प्लैनेट जो है वो ऑड साइन में प्लेस्ड है या इवन साइन में प्लेस्ड है।
कुछ प्लैनेट अगर ऑड साइन में प्लेस्ड होते हैं तो उनको स्ट्रेंथ मिलती है, और कुछ प्लैनेट अगर इवन साइन में प्लेस्ड होते हैं तो उनको स्ट्रेंथ मिलती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से ओजा युग्म राशियांश बल में दो चार्ट को, राशि चार्ट और नवांश चार्ट को कंसिडर करके हमें ये देखना है कि प्लैनेट ऑड साइन में प्लेस्ड है या इवन साइन में प्लेस्ड है। फिर केंद्र बल हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा हम लोगों ने डिवीजन किए थे हाउसेस के, केंद्र था और पणफर था और अपोक्लिम था, क्वाड्रेंट सक्सीडेंट एंड केनेंट हाउसेस, केंद्र हाउसेस, पणफर और अपोक्लिम। तो प्लैनेट अगर केंद्र में प्लेस्ड होते हैं तो हम लोगों ने कहा था कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने गए, अगर सक्सीडेंट हाउसेस में होते हैं तो कंपेरेटिवली वीक हो जाते हैं, और अगर केडेंट हाउसेस में होते हैं तो और भी ज्यादा वीक हो जाते हैं। तो वही हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि वो केंद्र में प्लेस्ड है या पणफर में है या अपोक्लिम स्थान में है। फिर दृष्टांश बल, और जब हम डिविजनल चार्ट पढ़ेंगे तो राशि का जो तीसरा हिस्सा होता है उसको हम दृष्टांश चार्ट कहते हैं, मतलब एक राशि में तीन दृष्टांश होते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। पहला जो दृष्टांश होगा वो 0 से 10 डिग्री होगा, दूसरा 10 से 20 होगा, और तीसरा 20 से 30 होगा। तो कुछ प्लैनेट को फर्स्ट दृष्टांश में बल मिलता है, कुछ को सेकंड में मिलता है, कुछ को थर्ड में मिलता है, तो वो सब चीजें हम इसमें एग्जामिन करेंगे। अब एग्जॉल्टेशन स्ट्रेंथ में हमें हर प्लैनेट का एग्जॉल्टेशन पॉइंट और डेबिलिटेशन पॉइंट मालूम है। ये सब हम देख ही चुके हैं कि सन पहली राशि में 10 डिग्री पर उच्च का होता है और सातवीं राशि में 10 डिग्री पर नीच का होता है। मून जो है वो सेकंड राशि में 3 डिग्री पर उच्च का होता है और आठवीं राशि में 3 डिग्री पर नीच का होता है। तो ये डिग्री है हर प्लैनेट के एग्जॉल्टेशन और डेबिलिटेशन पॉइंट, ये हमें मालूम है। तो उच्च बल का जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो सिर्फ हम जो प्लैनेट का लॉन्गिट्यूड होता है और उसका जो डेबिलिटेशन पॉइंट होता है दोनों में डिफरेंस निकाल के उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। प्लैनेट का लॉन्गिट्यूड और जो उसका डेबिलिटेशन पॉइंट है जो अभी आपने देखा, इन दोनों में डिफरेंस निकाल कर उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका स्थान बल इन विरूप आ जाता है। और अगर ये डिफरेंस अगर 180 डिग्री से ज्यादा होता है तो हम उसको 360 में से माइनस करके वी मेक इट लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि उच्च बल जो है वो 60 sestans से ज्यादा नहीं होगा, वो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्चुअली। जैसे सन का यहाँ दिखाया है कि लॉन्गिट्यूड मान लीजिए ये है, उसका डेबिलिटेशन पॉइंट 190 डिग्री है, तो इसको डिफरेंस निकाल कर 3 से डिवाइड कर दिया तो ये जो है सन का स्थान बल आ गया इतने विरूपा। सप्तवर्गज बल, और मैंने कहा था कि हम 7 डिविजनल चार्ट्स में प्लैनेट की पोजीशन कंसीडर करते हैं 7 डिविजनल चार्ट्स में। और ये जो डिविजनल चार्ट्स के नाम है, पहला लग्न चार्ट है, राशि चार्ट है, D2 मतलब होरा चार्ट है, D3 मतलब दृष्टांश चार्ट है, D7 मतलब सप्तांश चार्ट है, जो राशि के जितने हिस्से होते हैं वही मतलब राशि का 7वां हिस्सा, D9 राशि का 9वां हिस्सा है, ये नवांश चार्ट है, D12 राशि का 12वां हिस्सा है, ये द्वादांश चार्ट है, और D30 मतलब राशि का 30वां हिस्सा, ये त्रिशांश चार्ट है। तो ये हम लोग यहाँ पर 7 डिविजनल चार्ट कंसिडर कर रहे हैं, D1, D2, D3, D7, D9, D12 एंड D30। और पंचता मैत्री चार्ट हम लोग देख ही चुके हैं, बनाना हमको आता ही है कि हम इसमें परमानेंट फ्रेंडशिप कंसिडर करते हैं और टेम्परेरी फ्रेंडशिप कंसिडर करते हैं, दोनों को कंबाइंड करके जो 5 तरह की रिलेशनशिप आती है वो ये 5 है, अधिमित्र या इंटीमेट फ्रेंड, फ्रेंड, न्यूट्रल एनिमी एंड बिटर एनिमी। तो हमें यही देखना है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर प्लेस्ड है, कौन सा प्लैनेट इन 7 डिविजनल चार्ट्स में कहाँ पर प्लेस्ड है, किस राशि में प्लेस्ड है, और उस राशि के लॉर्ड का उससे क्या रिलेशन है, या मतलब टेनेंट एंड लॉर्ड का आपस में क्या रिलेशन है। तो कहते हैं कि अगर कोई प्लैनेट मूल त्रिकोण साइन में प्लेस्ड होता है, मूल त्रिकोण साइन में, और दिस मूल त्रिकोण साइन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर D1 चार्ट, बाकी हम डिविजनल चार्ट में
मूल त्रिकोण साइन कंसिडर नहीं करेंगे, बट कोई भी प्लैनेट अगर डी वन चार्ट में मूल त्रिकोण साइन में प्लेस्ड होता है उसको 45 साष्टांश का बल मिलता है, और अगर प्लैनेट अपनी राशि में हो किसी भी डिविजनल चार्ट में हो सकता हो तो उसको 30 साष्टांश का बल मिलता है, अगर वो इंटीमेट फ्रेंड के साइन में हो तो 22.5 साष्टांश का बल मिलता है, अगर फ्रेंडली साइन में है तो 15 साष्टांश का बल मिलता है, न्यूट्रल में है तो 7.5, एनिमी है तो 3.75 और बिटर एनिमी में है तो 1.875। तो ये सातों डिविजनल चार्ट में हम ये पोजीशन देखेंगे और हर डिविजनल चार्ट में डिपेंडिंग ऑन दिस पोजीशन दे विल गेट सम स्ट्रेंथ, और सातों का स्ट्रेंथ हम ऐड कर देंगे तो वो हर प्लैनेट का सप्त वर्गस बल जो है वो आपके पास आ जाएगा। फिर मैंने कहा ओजा युग्म राशियांश बल, ऑड एंड इवन राशि एंड नवांश चार्ट, तो दो चार्ट हम कंसिडर करते हैं, राशि चार्ट और नवांश चार्ट, और उसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि प्लैनेट ऑड साइन में प्लेस्ड है या इवन साइन में प्लेस्ड है। तो कुछ प्लैनेट को ऑड साइन में प्लेस होने में स्ट्रेंथ मिलती है, कुछ प्लैनेट को इवन साइन में प्लेसमेंट होने से स्ट्रेंथ मिलती है। तो जैसे ये मून और वीनस हैं दोनों फीमेल प्लैनेट है, तो नेचुरली अगर ये इवन साइन में प्लेस्ड होते हैं तो उनको स्ट्रेंथ मिलती है, वो मिलती है 15 साष्टांश। तो हम दोनों में देखेंगे, D1 में भी देखेंगे, D9 में भी देखेंगे। मान लीजिए कि D1 में भी 15 साष्टांश है या ऑड इवन साइन में प्लेस्ड है और नवांश में भी इवन साइन में प्लेस्ड है, तो टोटल जो हो जाए युग्म राशियांश बल हो जाएगा 30 साष्टांश हो जाएगा। तो दोनों में देखकर दोनों को ऐड करना है। फिर कहा कि सन मतलब मेल प्लैनेट प्लस न्यूट्रल प्लैनेट्स, सन मार्स जुपिटर मेल प्लैनेट है और मरकरी और सैटर्न जो है वो न्यूट्रल प्लैनेट है, इन दोनों को जो है अगर ये ऑड साइन में प्लेस्ड होते हैं तो 15 साष्टांश का इनको स्ट्रेंथ मिलती है। तो हम दोनों में देख लेंगे, D1 चार्ट में भी और D9 चार्ट में भी, और दोनों में जितनी जितनी स्ट्रेंथ मिल रही है उसको हम जब ऐड कर देंगे तो हमें टोटल जो है उसका ओजा युग्म राशियांश बल मिल जाएगा। फिर है केंद्र बल, अगर प्लैनेट केंद्र हाउसेस में प्लेस्ड होते हैं, दैट इज 1, 4, 7, 10 हाउसेस, तो सबसे ज्यादा बल ही माने गए क्योंकि केंद्र हाउसेस हमारे सबसे स्ट्रांग होते हैं, तो प्लैनेट को जो स्ट्रेंथ मिलती है वो 60 साष्टांश है। और अगर प्लैनेट सक्सीडेंट या पंफर हाउस में होते हैं जो कि 2nd, 5th, 8th and 11th हाउसेस होते हैं तो उसको 30 साष्टांश का बल मिलता है, और अगर प्लैनेट केडेंट या अपोक्लिम हाउस जो कि 3, 6, 9, 12 हाउसेस हैं उसमें प्लेस्ड होते हैं तो उसको 15 साष्टांश का बल मिलता है। तो हमें सिर्फ ये देखना है यहाँ पर कि प्लैनेट कौन से हाउस में प्लेस्ड है और डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर हाउस उसको एक पर्टिकुलर केंद्र बल मिल जाएगा। फिर दृष्टिकांश बल, मैंने कहा कि जब हम एक राशि को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक राशि में तीन दृष्टिकांश होते हैं। पहला जो दृष्टिकांश होता है वो 0 से 10 डिग्री, दूसरा दृष्टिकांश 10 से 20 डिग्री और तीसरा दृष्टिकांश 20 से 30 डिग्री। तो कुछ प्लैनेट को फर्स्ट दृष्टिकांश में प्लेस्ड होने से स्ट्रेंथ मिलती है, कुछ को सेकंड में प्लेस्ड होने से मिलती है और कुछ को थर्ड में होने से स्ट्रेंथ मिलती है। तो कहते हैं कि जो मेल प्लैनेट है सन मार्स एंड जुपिटर, ये जो तीन प्लैनेट है अगर ये फर्स्ट दृष्टिकांश में प्लेस्ड होते हैं, फर्स्ट दृष्टिकांश में प्लेस होने का मतलब यह है कि अगर उनकी डिग्री 0 से 10 डिग्री के बीच में है तो 15 साष्टांश का बल मिलता है उसको। और जो फीमेल प्लैनेट है मून और वीनस, अगर वो थर्ड दृष्टिकांश में प्लेस्ड होते हैं यानी कि उनकी जो डिग्री है वो 20 और 30 के बीच में होती है तो उसको 15 साष्टांश का बल मिलता है। और जो न्यूट्रल प्लैनेट है मरकरी और सैटर्न, अगर वो सेकंड दृष्टिकांश में प्लेस्ड होते हैं मतलब उनकी डिग्री अगर 10 से 20 के बीच में होती है तो 15 साष्टांश का उसको बल मिलता है। तो ये 6 तरह की स्ट्रेंथ है जो स्थान बल में या पोजिशनल स्ट्रेंथ में आती है, और इन 6 के 6 को जब हम ऐड कर देते हैं, उच्च बल है, सप्तवर्गज बल है, राशियांश बल है, केंद्र बल है और दृष्टिकांश बल है, तो इन सबको ऐड करके हमें टोटल हर प्लैनेट की पोजिशनल स्ट्रेंथ पता लग जाती है।
ऐसे ही जो सेकंड टाइप की स्ट्रेंथ है उसको हम दिक् बल बोलते हैं या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो अभी हमने देखा कि मरकरी और जुपिटर फर्स्ट हाउस में या ईस्ट डायरेक्शन में सबसे स्ट्रांग माने गए, और वेस्ट डायरेक्शन में उनकी स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है, सेवेंथ हाउस में जीरो स्ट्रेंथ हो जाती है। मार्स एंड सन 10th हाउस में स्ट्रॉन्गेस्ट माने गए और फोर्थ हाउस में उनकी स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। मून और वीनस फोर्थ हाउस में स्ट्रॉन्गेस्ट माने गए और 10th हाउस में उसकी स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। ऐसे ही शनि जो है वो सेवेंथ हाउस में स्ट्रॉन्गेस्ट माना गया और फर्स्ट हाउस में इसकी स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। तो दिक् बल निकालना सिंपल है कि हम दिक् बल आर्क निकालते हैं। दिक् बल आर्क का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द प्लैनेट लॉन्गिट्यूड एंड इट्स पावरलेस पॉइंट। पावरलेस पॉइंट मरकरी के लिए क्या होगा? पावरलेस पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? बोल नहीं रहे आप लोग? नहीं सर। मरकरी के लिए पावरलेस हाँ, पॉइंट क्या होगा? पिस्कस पिस्कस। मरकरी के लिए जैसे मैंने कहा ना कि जो हम दिक्बल आर्क निकालेंगे वो डिफरेंस होगा प्लैनेट के लॉन्गिट्यूड का और उसके पावरलेस पॉइंट का, जहां उसका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जीरो है। तो मरकरी जो है वो अच्छा, ओके ओके। डायरेक्शनल फर्स्ट, स्ट्रेंथ, हाँ, हाँ तो फर्स्ट हाउस में स्ट्रॉन्गेस्ट है और सेवेंथ हाउस जो, में। हाँ जीरो है। तो मतलब मिड पॉइंट ऑफ द सेवेंथ हाउस विल बी द पावरलेस पॉइंट फॉर मरकरी एंड जुपिटर। ओके, तो उन दोनों में हम ये डिफरेंस निकालते हैं, और ये डिफरेंस अगर 180 डिग्री से ज्यादा होता है तो हम उसको अगेन 360 में से माइनस कर देते हैं, और जो दिक् बल है वो दिक् बल आर्क डिवाइडेड बाई 3। तो हमें जो है हर प्लैनेट का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पता लग जाती है। जैसे कि मान लो सन का लॉन्गिट्यूड ये है और सन का जो पावरलेस पॉइंट, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट 10th हाउस में है तो पावरलेस पॉइंट होगा मिड पॉइंट ऑफ फोर्थ हाउस, वो इस केस में ये है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला और उसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये हर प्लैनेट का हमें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पता लग गया। अब जो थर्ड स्ट्रेंथ है, नेचुरल कहते हैं या परमानेंट, नैसर्गिक बल हम बोलते हैं उसको। और जैसा मैंने कहा कि हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है, ये फिक्स्ड वैल्यू है इसकी, हमें सिर्फ ऐड कर देना है और बाकी स्ट्रेंथ में। और सन जो है ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, और सन की जो नेचुरल स्ट्रेंथ है उसको 60 साष्टांश माना गया। फिर हम क्या करते हैं कि 60 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 8.57। 60 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 8.57। तो हर में से 8.57 माइनस करते चले जाते हैं। 60 में से 8.57 चला तो नेक्स्ट जो प्लैनेट है मून का हमें परमानेंट स्ट्रेंथ पता चला गया। इसमें से 6.57 माइनस किया तो वीनस का हो गया, फिर 8.57 माइनस किया तो इसका आ गया। इस तरह से हम 8.57 माइनस करते हुए चले जाते हैं और अल्टीमेटली जो सैटर्न का जो नैसर्गिक बल है दैट इज 8.57 साष्टांश। तो एनीवे हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है, और ये हॉरोस्कोप पर में प्लैनेट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये परमानेंट है। अब जो नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट भी है कि काल और टेम्पोरल स्ट्रेंथ। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें काल बल में हम जो समय की जो वेरियस फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको एग्जामिन करते हैं, और हम देखते हैं कि जो समय की डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं उनका प्लैनेट की स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें हम 9 तरह की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। पहला है नतोन्नत या दिवरात्रि बल। नतोन्नत या दिवरात्रि का मतलब हुआ है कि बर्थ दिन में हुआ है या रात में हुआ है, और उसकी वजह से जो इसको स्ट्रेंथ मिलेगी प्लैनेट को उसको हम नतोन्नत या दिवरात्रि बल कहते हैं। नत माने रात और उन्नत माने दिन एक्चुअली। और अभी हमने देखा कि कुछ प्लैनेट दिन में बली हैं मिड डे पर, और कुछ प्लैनेट मिड नाइट पर बली होते हैं, और मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी स्ट्रेंथ हमेशा सेम रहती है। तो वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे दिन और रात का जो है प्लैनेट की स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होता है। फिर पक्ष बल की
कृष्ण पक्ष में बर्थ हुआ है या शुक्ल पक्ष में बर्थ हुआ है, कौन सी तिथि पर बर्थ हुआ है, उसका जो प्लैनेट की स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वो हम इसमें पक्ष बल में कैलकुलेट करेंगे। फिर त्रिभाग बल, त्रिभाग का मतलब यह है कि हम दिन को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही रात को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि दिन के किस पार्ट में या रात के किस पार्ट में बर्थ हुआ है, और डिपेंडिंग ऑन दैट सम प्लैनेट दे विल गेट द स्ट्रेंथ एक्चुअली। फिर है अब्द और वर्षादीपा बल, मतलब लॉर्ड ऑफ द ईयर, कि किस वर्ष में किसी विक्रमी ईयर में बर्थ हुआ है, और जब विक्रमी ईयर शुरू हुआ जिस दिन, उस दिन का लॉर्ड क्या था, तो वो बेसिकली लॉर्ड ऑफ द ईयर हो जाता है और उस प्लैनेट को एक स्ट्रेंथ मिल जाती है। ऐसे ही मास बल है, किस महीने में बर्थ हुआ और उस महीने की शुरुआत किस दिन हुई, उस प्लैनेट को भी एक स्ट्रेंथ मिलेगी, उसको हम मास बल कहेंगे। वार बल, किस वीकडे लॉर्ड पर बर्थ हुआ तो उस प्लैनेट को भी स्ट्रेंथ मिलेगी। ऐसे ही होरा बल है, कि किस होरा में बर्थ हुआ है उस प्लैनेट को स्ट्रेंथ मिलती है। फिर अयन बल अभी हम देखेंगे, डेक्लिनेशन बोलते हैं, दैट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द इक्वेटर एक्चुअली, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे दैट वी विल सी। फिर होता है युद्ध बल, जब दो प्लैनेट्स के बीच में युद्ध होता है, वार होती है, तो उससे जो है प्लैनेट की स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होता है, दैट आल्सो वी विल कंसीडर हियर एक्चुअली। सेम डिग्री पे आ गए तब होता है युद्ध, सर? हाँ, अभी हम आते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले नतोन्नत बल या दिवरात्रि बल, तो अभी हमने देखा था कि जो मून, मार्स और सैटर्न है, ये प्लैनेट मिडनाइट पर सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, और मिडनाइट पर इनकी स्ट्रेंथ 60-60 होती है, और मिड डे पर इनकी जो स्ट्रेंथ है वो जीरो हो जाती है, नतोन्नत बल जीरो हो जाता है। ऐसे ही जो सन, जुपिटर और वीनस है, इसका जो नतोन्नत बल है या मिड डे में सबसे ज्यादा पावरफुल है, और मिड नाइट पर इनकी स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। बट मरकरी ऐसा है, उसकी स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम उसको हमेशा 60-60 इसमें दिवरात्रि बल में उसकी स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हैं। अब जो फॉर्मूला है, कि एक सिंपलर मेथड है जिससे कि हम जो है ये दिवरात्रि बल ईच प्लैनेट का हम कंसिडर कर सकते हैं, तो जो दिन में प्लैनेट बली हैं, जो सन, जुपिटर और वीनस हैं, तो उसके लिए दिव बल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, दैट इज बर्थ टाइम इन डिग्रीज डिवाइडेड बाई 3। हम बर्थ टाइम को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे। और जो ये तीन प्लैनेट जो रात में बली होते हैं, मून, मार्स और सैटर्न, उनका रात्रि बल निकालने के लिए 180 माइनस बर्थ टाइम इन डिग्री डिवाइडेड बाई 3 इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और अगर बर्थ टाइम 180 डिग्री से ज्यादा होता है तो हम उसको 360 में से माइनस कर लेते हैं। और जैसा कहा कि मरकरी जो है उसका दिन और रात का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो मरकरी को हमेशा हम 60-60 का स्ट्रेंथ देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम बर्थ टाइम को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बर्थ टाइम को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का जो बर्थ टाइम है 1640 है आईएसटी, 1640 आईएसटी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको बर्थ टाइम को लोकल मीन टाइम में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए अगर दिल्ली में बर्थ हुआ, क्योंकि वो तो आईएसटी है, तो दिल्ली का टाइम हमें मालूम होना चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने देखा भी था कि दिल्ली के लिए जो करेक्शन है आईएसटी को एलएमटी कन्वर्ट करने के लिए 2108 है, 21 मिनट और 8 सेकंड, उसको हम माइनस कर देते हैं लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। तो ये जो टाइम ऑफ बर्थ है या लोकल मीन टाइम दिल्ली का है वो 1618:52 आ गया। अब हमने जो फॉर्मूला देखा था टाइम का, उसमें हमने देखा था कि अर्थ जो है 360 डिग्री 24 आवर्स में रोटेट होती है, 360 डिग्री 24 आवर्स में, तो एक आवर में कितना रोटेट होगी, एक घंटे में कितना रोटेट होगी, 360 डिग्री रोटेट होती है 24 आवर्स में, तो 15 डिग्रीज होता है इन वन आवर, 15 डिग्री। और हम कहेंगे कि 1 डिग्री रोटेट करने के लिए इट टेक्स 4 मिनट्स, 1 डिग्री रोटेट करने के लिए इट टेक्स 4 मिनट्स, तो बेस्ड ऑन दिस वी ट्राई टू कन्वर्ट दिस टाइम इनटू डिग्रीज। तो यहाँ पर 16 आवर्स है,
तो 16 आवर्स में कितना रोटेट हुई, 16 × 15 240 डिग्री, और ये जो 18 degree 52 minutes है इसको हमने मिनट्स बना लिए, 18.8 minutes. तो एक मिनट में 4 degree मूव करती है, एक मिनट में एक डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, एक डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट का. तो इतने मिनट में कितने डिग्री मूव करेगी, डिवाइडेड बाई 4. तो ये दोनों को हमने ऐड किया तो ये जो बर्थ टाइम है डिग्री में आ गया 244.7 डिग्री. 244.7 डिग्री फॉर्मूला वही है कि 360 डिग्री 24 आवर्स में रोटेट करती है, तो एक घंटे में 15 डिग्री या एक डिग्री मूव करने में उसको 4 मिनट का समय लगता है. अब हमने देखा कि ये जो आया बर्थ टाइम इन डिग्री, दिस इज मोर देन 180 डिग्री. तो हमने क्या किया, इसको 360 में से माइनस कर दिया, तो बर्थ टाइम इन डिग्री 360 माइनस दिस, वो इतना आ गया. और सिंपल फॉर्मूला था देवरात दिव्बल का, ये जो प्लैनेट जो दिन में स्ट्रांग होते हैं उनको हम जो बर्थ टाइम इन डिग्री डिवाइडेड बाई 3, तो ये इतने साष्टांश आ गया. और रात्रि में जो बल होते हैं प्लैनेट उनको 180 माइनस बर्थ टाइम इन डिग्री डिवाइडेड बाय 3, तो वो इतनी स्ट्रेंथ आ गई इसकी जो है. और मरकरी को हम जो है हमेशा 60 साष्टांश की ही स्ट्रेंथ देते हैं. तो इस तरह से बर्थ टाइम इन डिग्री निकालकर हम जो नतोन्नत बल कैलकुलेट करते हैं. अब पक्ष बल, कि पक्ष का जो है प्लैनेट की स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ता है. और जैसा हम जानते हैं कि पहला पक्ष कृष्ण पक्ष होता है और दूसरा पक्ष जो है वो शुक्ल पक्ष होता है. और मैलिफिक प्लैनेट जितने भी हैं, जो नेचुरल मैलिफिक की हम बात कर रहे हैं, वो कृष्ण पक्ष में पावरफुल होते हैं, और जो बेनिफिक प्लैनेट हैं, शुभ ग्रह हैं, वो शुक्ल पक्ष में पावरफुल होते हैं. इस प्रिंसिपल से हम जाएंगे कि नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट कृष्ण पक्ष में पावरफुल होते हैं और बेनिफिक प्लैनेट शुक्ल पक्ष में पावरफुल होते हैं. तो जैसे हम तिथि निकालने के लिए हमने क्या करते थे कि मून के लॉन्गिट्यूड में से सन के लॉन्गिट्यूड को माइनस करते थे. मून के लॉन्गिट्यूड में से सन के लॉन्गिट्यूड को माइनस करके उसको हम 12 से डिवाइड कर देते थे तो तिथि आ जाती थी. तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं कि मून के लॉन्गिट्यूड में से सन के लॉन्गिट्यूड को माइनस करना. और हमेशा हम मून के लॉन्गिट्यूड में से ही माइनस करेंगे सन के लॉन्गिट्यूड को. अगर मून के लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू सन लॉन्गिट्यूड, तब हम मून के लॉन्गिट्यूड में 360 डिग्री एड करके जब माइनस करते हैं. बट ऐसा नहीं कि हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है. तिथि निकालने के लिए हमेशा हम मून के लॉन्गिट्यूड में से ही सन के लॉन्गिट्यूड को माइनस करते हैं. और अगर मून का लॉन्गिट्यूड कम होता है तो 360 डिग्री हम ऐड करके मून के लॉन्गिट्यूड में तब माइनस करते हैं. और इसका जो फॉर्मूला है कि अगर ये डिफरेंस मून का लॉन्गिट्यूड माइनस सन का लॉन्गिट्यूड अगर 180 डिग्री से कम होता है, इसका मतलब है कि बर्थ आपका शुक्ल पक्ष में हुआ है. और अगर ये जो डिफरेंस है मून का लॉन्गिट्यूड माइनस सन का लॉन्गिट्यूड, अगर ये 180 डिग्री से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब बर्थ आपका कृष्ण पक्ष में हुआ है. तो ये हमें पता लग जाता है कि बर्थ शुक्ल पक्ष में है या कृष्ण पक्ष में है, मून और सन के लॉन्गिट्यूड में से को डिफरेंस करके. और इसमें अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो तिथि भी पता लग जाएगी हमें कि तिथि कितनी है. तो पक्ष बल की जो हम कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले हम मून के लॉन्गिट्यूड में से सन के लॉन्गिट्यूड को माइनस करते हैं. मून के लॉन्गिट्यूड में से सन के लॉन्गिट्यूड को माइनस करते हैं. और अगर 180 डिग्री से अगर ज्यादा फिगर आती है तो हम 360 में से उसको माइनस कर देते हैं. और उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट पक्ष बल ऑफ ऑल बेनिफिक प्लैनेट. और 60 माइनस पक्ष बल ऑफ बेनिफिक विल गिव द पक्ष बल ऑफ मैलिफिक प्लैनेट. और इसमें जो मून का पक्ष बल आता है इस मेथड से, इस सिस्टम में जो पक्ष बल की बात जब हो रही है, तो मून के पक्ष बल को हम डबल करते हैं और वो जो पक्ष बल होता है वो मून का पक्ष बल होता है. जैसे यहाँ पर
आप देख रहे हैं कि मून का लॉन्गिट्यूड ये दिया हुआ है, सन का लॉन्गिट्यूड ये दिया हुआ है। अब यहाँ मून का लॉन्गिट्यूड कम है, सन का लॉन्गिट्यूड ज्यादा है, तो हम 360 मून के लॉन्गिट्यूड में ऐड करके फिर माइनस करते हैं, तो ये 197.16 आया। तो पहली चीज तो यह कि बर्थ आपका कृष्ण पक्ष में हुआ है, और अगर ये 180 डिग्री से ज्यादा होता है तो हम 360 में से माइनस कर देते हैं इसको, इतना आ गया। और पक्ष बल ऑफ बेनिफिक प्लैनेट इज डिवाइडेड बाई 3 एंड पक्ष बल ऑफ मैलिफिक इज 60 माइनस दिस वन, एक्चुअली दिस वन। और पक्ष बल ऑफ मरकरी हमेशा 60 सस्टेंस रहेगा, और जो मून का पक्ष बल यहाँ पर 54.2 आया उसको हम डबल कर देते हैं, तो वो मून का जो पक्ष बल है वो शरद बल में काउंट होगा। अब है त्रिभाग बल, कि हमने जो दिन का टाइम है, दिन का टाइम मतलब सनराइज से सनसेट, और जो रात का टाइम है सनसेट से सनराइज, उनको तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। जैसे मान लीजिए कि सनराइज 6 बजे है, सनसेट 6 बजे है, तो 6 से 10, 10 से 2 और 2 से 6, इस तरह से हमने तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। और हम ये देखते हैं कि बर्थ जो है वो किस दिन या रात के पार्ट में होता है। तो कहते हैं कि अगर बर्थ फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे होता है, मान लो इस केस में 6 से 10 के बीच में, तो मरकरी को 60 साष्टांग की स्ट्रेंथ मिल जाती है मरकरी को। और अगर बर्थ सेकंड 1/3 पार्ट ऑफ द डे है, मतलब 10 से 2 बजे के बीच में, तो सन को 60 साष्टांग की स्ट्रेंथ मिल जाती है। और अगर बर्थ लास्ट 1/3 पार्ट ऑफ डे है, मतलब 2 से 6 बजे के बीच में, तो शनि को 60 साष्टांग की स्ट्रेंथ मिलती है। ऐसे ही अगर नाइट में फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ नाइट है, तो मून को 60 साष्टांग की स्ट्रेंथ मिलेगी। सेकंड 1/3 पार्ट ऑफ नाइट है, तो वीनस को 60 साष्टांग की स्ट्रेंथ मिलेगी। और अगर थर्ड 1/3 पार्ट ऑफ नाइट है, तो मार्स को 60 साष्टांग की स्ट्रेंथ मिलती है। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन कि दिन और रात के किस पार्ट में बर्थ हुआ है, एक प्लैनेट को स्ट्रेंथ मिलती है, और इसमें जुपिटर को हमेशा 60 साष्टांग और स्ट्रेंथ मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो त्रिभाग बल है बेसिकली दो प्लैनेट को मिलता है, जुपिटर को तो परमानेंट मिलेगा ही मिलेगा, और जुपिटर के अलावा इनमें से एक प्लैनेट को और मिलेगा कि दिन और रात के किस भाग में बर्थ हुआ है। अब है अब्द बल और वर्षादीपा बल, मतलब लॉर्ड ऑफ द ईयर, किस विक्रमी ईयर में बर्थ हुआ और उसका जो फर्स्ट डे था ईयर का कौन सा दिन था, एंड लॉर्ड ऑफ दैट डे। वो जैसे मान लीजिए कि साल की शुरुआत मंडे को हुई, तो मून को जो है वो 50 साष्टांग की स्ट्रेंथ मिलेगी, उसको हम कहेंगे वर्षादीपा बल। ऐसे ही मास बल, किस महीने में बर्थ हुआ, उस महीने की शुरुआत किस दिन हुई, तो उस दिन के लॉर्ड को जो स्ट्रेंथ मिलती है वो 30 साष्टांग होती है, और उसको हम मास बल कहते हैं। ऐसे ही किस वीकडे लॉर्ड में बर्थ हुआ है, किस वीकडे में बर्थ हुआ है, मान लीजिए ट्यूजडे को हुआ है, तो मार्स उसका लॉर्ड है, तो मार्स को जो है वो 45 साष्टांग की स्ट्रेंथ मिलेगी, उसको हम वार बल कहेंगे। होरा बल, किस होरा में बर्थ हुआ है, होरा आप जानते हैं कि सनराइज के टाइम जो होरा होता है, जो उस दिन का वीक डे लॉर्ड होता है उसका होता है, और उसके बाद पीछे से थर्ड 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 आप काउंट करते चले जाइए तो होरा का सीक्वेंस आ जाता है। तो जिस टाइम भी बर्थ हुआ है उस टाइम कौन सा होरा ऑपरेट हो रहा था, तो उस प्लैनेट को 60 साष्टांग की स्ट्रेंथ मिल जाती है। फिर है आयन बल, आयन कहते हैं डेक्लिनेशन एक्चुअली। तो डेक्लिनेशन का जो डेफिनेशन है, दैट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द इक्वेटर, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लैनेट 0 डिग्री पर है, जब जोडियक हम देखते हैं कि 0 डिग्री पर है, तो उसका जो डेक्लिनेशन है वो 0 होता है। फिर हम 90 डिग्री तक जाते हैं एक्लिप्टिक के, तो उस टाइम जो एंगल है वो 23 डिग्री 27 मिनट हो जाता है। फिर हम 90 से 180 वापिस आते हैं, तो
23-27 से फिर 180 डिग्री पर जीरो हो जाता है, और फिर जब हम 180 से 270 की तरफ जाते हैं तो फिर बढ़ना शुरू होता है और जीरो से 23 डिग्री 27 मिनट हो जाता है, और 270 से जब हम 360 पर या जीरो डिग्री पर आते हैं तो फिर जीरो हो जाता है। तो ये जो जीरो से 180 डिग्री का मोमेंट है, जीरो से 180 डिग्री का मोमेंट, इसको हम नॉर्थ मोमेंट कहते हैं या पॉजिटिव मोमेंट कहते हैं या पॉजिटिव डेक्लिनेशन कहते हैं। और 180 से 360 डिग्री का जो एंगल होता है, डेक्लिनेशन होता है, उसको हम साउथ या नेगेटिव डेक्लिनेशन बोलते हैं। तो जीरो डिग्री पर या 180 डिग्री पर जो डेक्लिनेशन होता है जीरो डिग्री होता है, और 90 पर और 270 डिग्री पर ये 23 डिग्री 27 मिनट होता है। और आयन बल का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, 23 डिग्री 27 मिनट प्लस माइनस डेक्लिनेशन, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1.2793। और इसमें मून और सैटर्न का हम जब साउथ डेक्लिनेशन होता है या सन मार्स जुपिटर का और वीनस का नॉर्थ डेक्लिनेशन होता है तो पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, अदरवाइज नेगेटिव साइन यूज करते हैं। और मर्करी का भी जब हम एनबल कैलकुलेट करते हैं तो हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। और इस मेथड से जो भी सन का एनबल आता है, जैसे हमने मून के उसमें हमने मून के जो पक्ष बल आया था उसको डबल कर दिया था, ऐसे ही यहाँ पर जो सन का एनबल आता है उसको हम डबल कर देते हैं। तो उसमें जो आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में ऑलरेडी फॉर्मूले हैं कि हम डेक्लिनेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि जब जो प्लैनेट का डिग्री कितनी होती है तो उसके बेसिस पर डेक्लिनेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो फॉर्मूला है या जो टेबल है उस टेबल की मदद से हम डेक्लिनेशन कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी प्लैनेट का डिपेंडिंग ऑन द डिग्री। तो ये बेसिकली आयन बल हो गया। और लास्ट में जो है जो टेम्पोरल स्ट्रेंथ है उसको हम कहते हैं युद्ध बल। और पहली चीज तो है कि सन और मून कभी प्लैनेटरी वॉर में एंटर नहीं करते, सन और मून उनको हम छोड़ दीजिए। सन मून के अलावा जब भी दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस एक डिग्री से कम होता है, एक डिग्री तक होता है या हम कहें, तब हम कहते हैं कि दोनों प्लैनेट के बीच में वार हो रही है, युद्ध हो रहा है, दोनों प्लैनेट के बीच में युद्ध हो रहा है। तो पहली चीज की सन और मून प्लैनेटरी वॉर में एंटर नहीं करते हैं। सन मून के अलावा जो भी कोई भी अगर दो प्लैनेट हैं उनके बीच का डिस्टेंस विद इन वन डिग्री है, देन वी से दैट द प्लैनेट्स आर एट वॉर। अब जब युद्ध होगा तो एक जीतेगा एक हारेगा, एक जीतेगा एक हारेगा। तो कहते हैं कि जो प्लैनेट जिसका भी लॉन्गिट्यूड कम होता है या डिग्री कम होती है वो प्लैनेट विनर होता है इसमें, और जो प्लैनेट का लॉन्गिट्यूड ज्यादा होता है वो लूजर होता है। तो एक विनर हुआ जिसकी डिग्री कम हुई और लूजर हुआ जिसकी डिग्री ज्यादा हुई। तो जो लूजर है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और जो विनर है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो वही हम यहाँ करते हैं कि कितनी बढ़ेगी वो हमें देखना है और कितनी कम होगी। तो जब भी दो प्लैनेट अगर वार पर हैं तो उन दोनों प्लैनेट का जो हमने स्थान बल कैलकुलेट किया, दिक बल कैलकुलेट किया और या जो काल बल कैलकुलेट किया अप टू पोला बल, तीन बल हैं, एक स्थान बल है, एक दिक बल है और जो हमने काल बल कैलकुलेट किया वो अप टू पोला बल है, वो दोनों का ऐड कर देते हैं। तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो प्लैनेट अगर वार पर है, मान लो एक प्लैनेट P1 है एक P2 है, तो उनका स्थान बल, दिक बल और काल बल अप टू होरा बल कितना कितना है। दोनों में डिफरेंस निकाल लेते हैं, दोनों में डिफरेंस निकाल लेते हैं और जो प्लैनेट जीतता है, जो विनर है, उसकी स्ट्रेंथ में वो ऐड कर देते हैं और जो प्लैनेट लूजर है उसकी स्ट्रेंथ में से उतना ही हम माइनस कर देते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से प्लैनेटरी वॉर का जो इन्फ्लुएंस होता है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर।